व्हाट इज अप गाइस, क्या चल रहा है? थोड़ी ना तबीयत खराब है, बस यही चल रहा है गाइस। सबसे पहले आज का सवाल, क्या पबजी वापस आ सकती है? क्या पबजी वापस इंडिया में जगह बना सकती है? जानने के लिए एंड तक वीडियो को देखते रहिए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा गाइस। सबसे पहले बताओ लाइटिंग कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है सेटअप बनाने में। पीछे का तो मैंने सारा गैप पीछे का तो मैंने सारा ब्लैक कर दिया है। ये इफ़ेक्ट नहीं है कोई, ये जस्ट लाइटिंग कंडीशन है। दिन में ही शूट कर रहा हूँ, टाइमिंग शायद शाम के 3 या 4 बज रहे होंगे, 3 बज रहे हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो, ये आप कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है। अभी वाले सेटअप अच्छा लग रहा है, एकदम पूरा ब्लैक, सिर्फ मेरे पे अच्छी लाइट आ रही है, या फिर पहले जैसी मैं वीडियोस बनाता था वैसी आपको पसंद है? तो गाइस सीधा आते हैं पॉइंट पर। जिस तरह से पबजी इंडिया से गया है ना, जैसे जिस तरह से पबजी बैन हुआ है 2-3 दिन पहले, उस तरह से हम जितने भी पबजी लवर्स हैं उनको यार इतना दुख दर्द हुआ है ना, जितना दर्द शायद किसी के ब्रेकअप पे भी नहीं होता। एक मिनट, हम सभी पबजी लवर्स, मतलब पिछली वीडियो में तूने कहा था कि मैं पबजी नहीं खेलता। खैर मजाक की बात साइड में, पबजी जो एक कोरियन कंपनी है वो सिर्फ इंडिया में इसीलिए बैन हुई क्योंकि उसकी जो पार्टनरशिप है वो एक चाइनीज कंपनी के साथ थी। लेकिन इंडिया ना यार बहुत 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 बड़ी जगह है पबजी या फिर टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस के लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पबजी के लिए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, चांसेस तो छोड़ो, पबजी की ये अनाउंसमेंट आ रही है कि वो अपनी पार्टनरशिप उस चाइनीज कंपनी जिसका नाम टेंसेंट है उसके साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ के किसी और के साथ टाई अप कर सकती है। काफ़ी सारी हो सकती है, जैसे EA गेम्स है, गेम लॉफ्ट है, यूनिटी है, 2-3 और है, बहुत सारी है, उनके साथ टाई अप करके इंडिया में वापसी कर सकती है। तो यार पबजी लवर्स दिल छोटा मत करो, मैंने हाई लेवल की बात कर रखी है तुम्हारे लिए, पबजी वापस आ जाएगी, दिल छोटा मत करो यार। तो टाई अप कर सकती है इंडिया में वापसी आ, क्योंकि पबजी को भी पता था कि यार इंडिया कितनी बड़ी जगह है और बहुत बहुत लोग पबजी को खेलते हैं, इवन पबजी लाइट भी खेलते हैं, बहुत लोग खेलते हैं यार, फैन हो रखे हैं पबजी के, खुद को पबजी आर्मी बोलते हैं। तो पबजी वापस आ सकता है, बहुत बहुत चांसेस है, इवन अनाउंसमेंट भी आ सकती है, ये करीबी सूत्रों से पता लगा है। और एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है कि कुछ लोग ना इसको रूमर्स भी बोल रहे हैं कि जिस दिन पबजी बैन हुई इंडिया में उसी दिन एक इंडियन गेम की भी अनाउंसमेंट हो गई इंडिया में कि एक गेम भी आ सकती है इंडिया में। इसका नाम पबजी से एकदम मिलता जुलता है और इसके जो पोस्टर है वो किसी गेम से भी मिलता जुलता है। आप कमेंट करके बताना कि अगर आपको गेम जानी पहचानी लग रही है, कोई भी हो सकती है जिसका पोस्टर यूज़ किया हुआ है, तो आप बताना कमेंट में कि कौन से पोस्ट गेम का पोस्टर यूज़ किया है। लेकिन और इस गेम का जो नाम है ना वो एकदम पबजी से रिलेटेड है, फौजी, पबजी फौजी। इसका अनाउंसमेंट थोड़े दिन पहले अक्षय कुमार ने किया था। जिन लोगों को नहीं पता, अक्षय कुमार एक बॉलीवुड एक्टर है जो काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, इंडियन पोर्ट्रेटिक मूवीज़ बनाते हैं। हालांकि ये नाम और ये गेम का पोस्टर अभी फाइनल आउटपुट नहीं है, बिल्कुल भी फाइनल नहीं है। कुछ लोगों के रूमर्स आ रहे थे कि ये फाइनल है, पबजी से रिलेटेड नाम क्यों रख दिया और ऐसा कि किसी गेम का पोस्टर कॉपी करके क्यों डाल दिया, ये बिल्कुल भी फाइनल नहीं है। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है जो पबजी का एक अल्टरनेट हो सकता है इंडिया में। अब देखना ये है कि गेम किस लेवल की होने वाली है, इसके ग्राफिक्स किस लेवल के होंगे, इसका गेम प्ले कैसा होगा, पबजी जैसा होगा, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा होगा या फिर फ्री फायर जैसा होगा। अब ये गेम भी लॉन्च होने वाली है और पबजी भी वापस आने वाली है, तो पता नहीं यार क्या होगा। आप लोग बताना कमेंट में कि मेजोरिटी क्या होगी, पबजी ज़्यादा यूज़ होगी या फिर मेड इन इंडिया वाली गेम ज़्यादा यूज़ होगी। मैं पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जो मेड इन इंडिया वाली गेम है, चाहे फौजी होगा उसका नाम, चाहे कुछ भी होगा, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस गेम के लिए। एटलीस्ट एक बार तो मैं उसका गेम प्ले देखूंगा कि गेम प्ले कैसा है, लोकेशंस कैसी है, इसमें एग्जैक्टली क्या होगा। आप ना इमेजिन करो यार, जो मेड इन इंडिया वाली गेम होगी उसमें लोग हवाई जहाज से उतरेंगे, इंडियन सड़कों पे उतरेंगे, कैसा लगेगा। या 2-3 ना सरदार लोग भी होने चाहिए बहुत मजा आएगा। तो यार इतना ही था इस वाली वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइज अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जैसे अमेजोन से कोई शॉपिंग करते हो, फिर आप कोई गैजेट्स खरीदना चाहते हो अमेजोन से, तो आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने वो एफिलिएट लिंक्स डाल रखे हैं सबके, लैपटॉप्स के, कीबोर्ड के, माउस के,
जो भी है वो आप देख सकते हो। तो कोई भी पसंद आ रहा है तो आप मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू शॉपिंग कर सकते हो, तो इसमें थोड़ा आपका भी फ़ायदा होगा, थोड़ा मेरा भी फ़ायदा होगा। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को, और बताना कमेंट करके कि ये लाइटिंग सेटअप कैसा लग रहा है। अगर नहीं पसंद आया तो मैं दोबारा से वही चेंज कर दूंगा। मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं हो। तो चलो ठीक है, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।